हाय फ्रेंड्स, आज हम इस डिजाइन को कैसे लाइन ट्रेस करके बनाया जाते हैं वो दिखाऊंगा। सपोज इस फोटो से हमें लाइन ट्रेस करके डिजाइन बनाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा देख लीजिए। ये जो इमेज है ये टेढ़ा है, इसको सबसे पहले हमें सीधा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इधर पहले इस तरह से क्रॉप कर लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये प्रेस करेंगे, फुल स्क्रीन हो गया। और लेफ्ट साइड से ये ग्रिड लाइन एक रखेंगे, राइट साइड में भी एक रख देंगे ऐसे, और ये जगह पे ऐसे एक ग्रिड लाइन ले लेंगे, ठीक है। नीचे के तरफ भी एक ऐसे लेके रख देंगे। फिर क्या करना है, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी का मतलब ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। फिर कंट्रोल प्रेस करके इसको ऐसे नीचे की तरफ ले जाएंगे। राइट साइड में भी कंट्रोल प्रेस करके ऐसे, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा सीधा कर देंगे इस तरह से, ये पूरा सीधा हुआ कि नहीं कैसे देखेंगे। देखिए इधर से एक लाइन लेंगे, देखिए लगभग सीधा हो गया है। अभी क्या करना है, एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। फिर हम क्रॉप टूल से इसको ऐसे क्रॉप कर लेंगे। अभी हमें इस इमेज को ट्रेस करके लाइन बनाना है, तो हम इधर क्या करेंगे, इमेज एडजस्टमेंट ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, इधर ब्राइटनेस को थोड़ा कम करके कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा के हम इमेज को देख लेंगे कि सही व्यू मिले। ठीक है, अभी सही दिख रहा है, फिर ओके कर रहा हूं। अभी इसको जेपैक फॉर्मेट में सेव कर देंगे, ठीक है। तो फाइल सेव एज, इधर जाके हम जेपैक फॉर्मेट में सेव करते हैं। इसका नाम एक देता हूं के लाइन ट्रेस सेव, फिर हम ओके कर देंगे। अभी क्या करना है, फोटोशॉप का काम हो गया, इसको आप बंद कर रहा हूं नो करके। फिर हम कोरेलड्रॉ खोलेंगे और इधर जाके फाइल इंपोर्ट, शॉर्टकट की है कंट्रोल आई, इधर से वो जो इमेज हमने सेव किया है उसको इधर से ओपन करेंगे। तो इसके लिए इधर जेपैक सिलेक्शन करना पड़ेगा, देखिए ये दिखाई दिया, इंपोर्ट इधर क्लिक। तो इसका जो पूरा साइज होगा ये विड्थ है, ये हाइट है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको कुछ भी नहीं करेंगे, इसको खाली ड्राइंग करेंगे सबसे पहले। तो ड्राइंग किस तरह से करेंगे देख लीजिए, इसको सिलेक्ट रख के अरेंज में जाके लॉक ऑब्जेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर देखिए जैसे ये लाइन बनवानी, तो इस लाइन को हम कैसे बनाएंगे देख लीजिए। ये पेन टूल सिलेक्ट करके इधर से इस तरह से ड्राइंग करके फिर ये जगह पे आके ऐसे छोड़ देंगे, फिर ऑल्ट प्रेस करके इसको काट देंगे। लाइन दिखाई नहीं दे रहा है तो इधर राइट क्लिक कर रहा हूं, अभी देखिए दिखेगा। लाइन को थोड़ा मोटा कर रहा हूं ताकि अच्छा करके दिखने को मिल जाए। देख अभी हमें क्या करना है, मिलीमीटर में यूनिट को सिलेक्शन करना है। फिर ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ कितना एमएम का है ये चेक करेंगे। देखिए एक सर्किल लेके लगभग 3.8 एमएम, इसको एकदम सही से देख रहा हूं, देख लीजिए 3.8 एमएम पकड़ के चलते हैं। तो इधर क्या करेंगे देखिए, इसको सिलेक्ट करके हम 2 एमएम आउटसाइड में देते हैं, स्टेप रखते हैं एक, देखिए हो गया। तो ये एक पीस बनाएंगे, उसको नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे, इसीलिए ज्यादा मेहनत का जरूरत नहीं। फिर इधर देखिए ये जो स्पाइरल शेप है इसको ड्रॉ करने का जरूरत नहीं, इधर ऐसा शेप बन जाता है, दिखाता हूं देख लीजिए।
अच्छा इसको ये जो है सिमेट्रिकल वाला सिलेक्शन करके ड्रॉ करता हूं, बस अभी इसको इधर ले जाता हूं। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहिए तो हम इधर से थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से हम इसको कर रहे हैं, तो फ्यूचर में आप जब काम करेंगे इस तरह से ही काम कीजिएगा। ये इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, पर आपको प्रैक्टिस बार बार करना पड़ेगा। इधर भी वही 2 mm ऑफसेट, ठीक है 2 mm में ये ज्यादा हो गया, मतलब आपको और थोड़ा कम करना पड़ेगा। 0.5 दे रहा हूँ, 0.5 ठीक है, और थोड़ा सा ज्यादा तो 0.75, हाँ ये ठीक है। फिर अरेंज में जाके ब्रेक कंट्रोल ग्रुप एपर्ट, ठीक है। फिर क्या करना है देखिए, इसी को सिलेक्ट करके नीचे के तरफ लाके राइट क्लिक, इधर भी ऐसे ऑफसेट कर दिया, फिर इसको सिलेक्ट करके मिरर कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, कंट्रोल प्रेस करके इस तरफ घुमा देंगे, फिर इसे ये जगह पे रख के रख देता हूँ, ठीक है। फिर हमें ये वाला ड्राइंग करना पड़ेगा, तो देखिए पेन टूल लेके ऑल ट्रेस करके ये जगह पे काट दिया, फिर ऐसा फिर ये डायरेक्टली ये जगह पे आ रहा है, जो कुछ मॉडिफिकेशन वाला काम होगा वो लास्ट में करना।
अभी इसका मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, देख लीजिए। ये जो जगह है इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, अभी इसके ऊपर वाला जो हिस्सा उसको बनाएंगे। तो देख लीजिए कर लिया, फिर ऑल्ट प्रेस करके इसको भी काट देंगे। ऑल्ट प्रेस करके फिर इस तरह सा, फिर वहां से ऐसा करेंगे। और ये जगह पे देखिए इसको ठीक करना है, नहीं तो खराब दिखेगा। ये ऐसे ले लेंगे, इस पॉइंटर को इस तरह से रखेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट, बस अभी इधर बनाना है। तो ये जो है इसको भी बना लेता हूँ। तो देख लीजिए, इसके लिए ये जगह पे इस तरह का आर्क ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर सीधा सीधा इतना दूर तक ऑल्ट प्रेस करके इसको काट देंगे, फिर ऐसे कार्व बना के फिर ऑल्ट प्रेस करके काट के ऐसे, फिर देखिए ये जगह तक आपको ऐसे लेके जाना है, फिर ऑल्ट प्रेस कर दीजिए, फिर ऐसे घुमा के ये जगह पे ऐसे रख के ऐसे कर दिया, फिर ऑल्ट, फिर इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, इधर एक कलर कर देता हूँ। और एक बात देखिए, ये जो जगह है, ये जो शार्प बन जा रहा है, शार्प नहीं रखना है, तो इसको ऐसे कार्प कर देना है।
ठीक है, तो बार बार ये टेक्स्ट का कलर, लाइन का कलर चेंज करने का जरूरत नहीं। आप इधर राइट क्लिक कर दीजिए, ओके, फिर आउटलाइन सपोज थोड़ा मोटा लेना है, इधर क्लिक कर दीजिए, तो जो भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो आप जो कलर का सिलेक्शन रखेंगे उसी कलर का आएगा। देखिए बस एकदम लास्ट में फाइनल मॉडिफिकेशन करेंगे। तो ये हो गया, अभी ऊपर वाला ये जो ड्राइंग है इसको बनाएंगे। कंट्रोल प्रेस करके इसको ऐसे घुमा देंगे, क्योंकि वो पिक्चर टेढ़ा था बोल के ऐसे दिख रहा था। फिर अरेंज में जाके, शेपिंग में जाके वर्ल्ड, फिर देखिए एक नोट्स को लेके दूसरे नोट्स को छोड़ देंगे तो वर्ल्ड हो जाएगा। नीचे वाला भी ऐसा, ठीक है, फिर इसको ऐसे थोड़ा सा कार्प कर देंगे और इसका साइड वाला ऊपर का अभी बनाएंगे। ऑल्ट प्रेस करके नोट्स को काट देंगे फिर इस तरह से। देखिए इसको सिलेक्शन करके हम थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे, ऐसे इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। बस अभी इसको फिर ऐसे जगह पे रखेंगे, राइट क्लिक, थोड़ा सा इसको घुमा देंगे ऐसा रखना है, इसलिए हम अपना हिसाब से करेंगे, हर बात ड्राइंग के इमेज के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इमेज थोड़ा सा टेढ़ा होने के वजह से डिस्टेंस मैच नहीं करेगा। ठीक है, फिर क्या करना, ये पूरा सिलेक्शन करके कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक, फिर एरो प्रेस करके इसको हटा देंगे। बस
अभी क्या करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा ये वाला, ये थोड़ा घूम जाएगा। अभी अरेंज में जाके ब्रेक अपट कर देंगे, करने के बाद ये अंदर का जो कलर है इसको डिलीट, इधर भी और ये वाला में भी। और इधर एक काम करना है, वो काम क्या है, इधर जो लाइन है ठीक है, इस लाइन के ऊपर वाला दो नोट्स को हम डिलीट कर देंगे, और इधर एक पॉइंट लेके इसको नीचे की तरफ लाएंगे, फिर डिलीट। फिर देखिए इसके नीचे और दो पॉइंट ऐड करेंगे, जैसे ये और ये, फिर इसको भी डिलीट। ठीक है, अभी क्या करना, इसको जब स्मूथ कर रहे थे ये वाला भी डिलीट कर देंगे, और इधर एक पॉइंट ऐड करके इस तरफ लेके जाएंगे, और इधर एक पॉइंट ऐड करेंगे, फिर देखिए इसको नीचे की तरफ लाएंगे, इसको और थोड़ा सा डाउन, दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा से डाउन में रख देंगे। बस फिर ये वाला दो लाइन जो है इधर भी ऐसे करेंगे, ये दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके डिलीट, अच्छा ये वाला स्ट्रेट है तो हम इसको स्ट्रेट कर देंगे, ये वाला पॉइंट पे एक और इधर एक पॉइंट लेंगे, फिर इसको देखिए हम ऐसे स्ट्रेट लाइन कर देंगे। तो ये दूसरा जो है दो बार करने का जरूरत नहीं, इसको डिलीट करके इसी को पकड़ के लेके आते हैं, तो इसको ले जाके राइट क्लिक, इसको मिरर करके घुमा देते हैं और ये जगह पे सेट कर देते हैं। ठीक है, फिर देखिए इतना दूर तक जो हमने ड्राइंग किए हैं इस राइट क्लिक करके सबको थोड़ा मोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला नीचे रिपीट हो जाएगा तो हम कंट्रोल प्रेस करके इसको नीचे ऐसे ले जाके राइट क्लिक कर रहा हूँ, फिर देखिए थोड़ा सा ऊपर उठेगा तो कंट्रोल प्रेस करके ऐसे ऊपर रख देता हूँ। ठीक है, इमेज टेढ़ा होने के वजह से ऐसे दिख रहा है, पर ऐसा बात नहीं है, ये सही बना है। फिर ये बटरफ्लाई को बनाएंगे, तो देखिए बटरफ्लाई कैसे बनेगा, इसके लिए अलग अलग पार्ट में हमें ड्राइंग करना पड़ेगा। और ये जगह को स्मूथ करना है तो इसको डिलीट कर देंगे तो स्मूथ बन जाएगा। बस इधर सर्कल रखना है, कंट्रोल प्रेस करके फिर इसको भी राइट क्लिक,
फिर ये जगह पे थोड़ा सा गैप रख रहा हूं ताकि कटिंग होने के बाद ये गिर ना जाए, ठीक है। फिर ऊपर की तरफ अभी इसको मॉडिफाई करना होगा थोड़ा सा। ठीक है, फिर ये जो है इसी को ही कॉपी करके हम डुप्लीकेट कर लेंगे। तो देखिए इसको सिलेक्ट करेंगे फिर कॉम्बाइन कर देंगे, फिर कंट्रोल प्रेस करके ऐसे घुमा दिया, फिर ये प्रीवोट पॉइंट को लेके हम इस तरफ घुमा देंगे, फिर इसको नीचे की तरफ लाएंगे ऐसे। पर ये जो गैप और डिस्टेंस है इसको थोड़ा ऊपर की तरफ रखेंगे, ठीक है। तो ये ड्राइंग कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर मैं उठा देता हूँ क्योंकि नीचे बहुत जगह है। तो इधर क्या करना पड़ेगा, देखिए इधर हम इस तरह से एक ड्राइंग कर लेंगे। ऑल्ट प्रेस करके काट दिया, फिर ये जगह पे भी बस। फिर इसको सिलेक्शन करके डिलीट, और ये जगह पे देखिए ओवरलैप जैसा बन गया था, इसको ठीक करना है। फिर ये जगह पे एक सर्कल बनाएंगे, कंट्रोल प्रेस कर, और इसके साथ इसको वील्ड कर देंगे, ठीक है। फिर दोनों कर्व बना लेंगे ऐसे, इस तरह का। इस कर्व का नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ ऐसे रखेंगे, ठीक है। फिर इसको कंट्रोल प्रेस करके इस तरफ घुमा देंगे, और ये प्रीवोट पॉइंट को लाके इसको इस तरफ घुमा देंगे। फिर इसको भी देखिए आउटसाइड में 0.75 mm
0.5 mm, और इस तरफ में भी, ठीक है। फिर ये दोनों को सिलेक्ट करके ब्रेक अपट कर देंगे और ये वाला डिलीट कर देंगे। फिर ये जगह पे जाके सेप टूल लेके ये दोनों पॉइंट को डिलीट, और ऊपर का भी, बस अभी पूरा सिलेक्शन करके इसके साथ विल्ड कर देंगे। अभी हमें क्या करना है, देखिए ये जो बटरफ्लाई है इसको थोड़ा सा ऊपर लेके रखेंगे ऐसे, ठीक है, ताकि डिस्टेंस बराबर बजा रहे, मतलब मेंटेन हो। फिर ये वाला थोड़ा सा और डिस्टेंस में रखे ऐसे, ठीक है। अभी इसको जो मॉडिफिकेशन है वो कर रहा हूं, बस। तो ये हमारा काम हो गया। अभी क्या करना है, देखिए हमें एक बॉक्स ड्रॉ करना है इधर, ठीक है। फिर इस बॉक्स को ऐसे जगह पे लेके रख रहा हूं और इसको हम कॉम्बाइन कर रहा हूं। फिर इसको इधर लाके रख के सी ई प्रेस करता हूं, ओके, देख लीजिए, ओके। अभी ये जो बॉर्डर है, ठीक है, इसके साथ इसको रख रहा हूँ बॉर्डर पे, साइड पे कम से कम लगभग थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस रखना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, डिजाइन को इस हिसाब से बना लेता हूँ, बाद में अगर बॉर्डर को छोटा बड़ा करना पड़े वो कर लिया जाएगा। और एक बात, इधर देखिए इस डिजाइनिंग में कुछ कुछ जगह में ऐसे काटिंग किया हुआ है, ये काटिंग करने का मतलब एक है कि ये गिर ना जाए। तो हम इसको किस तरह से पूरा करेंगे देख लीजिए, अगर सेम टू सेम करना चाहते हैं तो इधर से ही करना पड़ेगा, तो इधर से ही कर लेता हूँ ऐसे, एक थ्री पॉइंट कार्व ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल जेड इसीलिए किया मैंने, इसको डिलीट कर दिया था गलती से, बस। अभी ये जो है इसको 1 mm आउटसाइड से कर दिया, फिर अरेंज में जाके ब्रेक अपट। अभी देखिए ये सिलेक्ट करके, इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर क्लिक ट्रिम कर देता हूँ, फिर इसको डिलीट, ठीक है। ये जगह पे भी देखिए, ये
कॉमन कर लेता हूँ, फिर आउटसाइड में 1 mm कर देता हूँ, 1 mm नहीं 0.5। ठीक है, फिर अरेंज में जाके ब्रेक कॉन्ट्रोल ग्रुप अपट करता हूँ। अभी देखिए इसको भी ब्रेक अपट कर दिया, ट्रिम कर दिया, डिलीट। ठीक है, तो बार बार ये करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार ये बना दिया तो इधर कॉपी पेस्ट कर देंगे तो चल जाएगा। पर फिर भी मैं ये अलग अलग करके दिखा रहा हूँ इसलिए, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और आप कर पाए। सिर्फ प्रेस करके इधर रख के फिर ट्रिम। ठीक है, तो ऊपर वाला पे मेहनत नहीं करेंगे, इसी को लगा देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। तो ये वाला देखिए 2 mm रख के, 1 mm काफी है। अरेंज ब्रेक अपार्ट, इसको सिलेक्ट करके ऐसे रख के ट्रिम। ठीक है, तो हम इधर भी कर सकते हैं, इसको दोबारा नहीं करेंगे, इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए इसको सिलेक्ट करके अरेंज में जाके ब्रेक अपार्ट, तो ये वाला भी डिलीट और ये वाला भी डिलीट कर रहा हूँ। अभी क्या करना है, ये दोनों को ले जाके उधर रख देता हूँ। सॉरी, ये पूरा पूरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसको पूरा सिलेक्शन करके लेके जाना है। अभी कंट्रोल प्रेस करके लेके जा रहा हूँ, देखिए ये हो गया राइट क्लिक। बस अभी क्या है, इसको पूरा कॉम्बाइन कर देंगे और इसको इधर ले जाके राइट क्लिक, शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करके सी और राइट क्लिक करके मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ। अभी देखिए पूरा मिडिल में हो गया। अभी इसका बॉर्डर का डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा, कम से कम 6 इंच करके रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसी को अभी
पूरा सिलेक्शन करके बड़ा कर रहा हूँ, तो कंट्रोल जी प्रेस करके इसको हम ग्रुप कर लिया। फिर इसका साइज देखिए मिलीमीटर में, इसको सिलेक्ट करके विड्थ रहेगा 355 और हाइट रहेगा 1930, ठीक है। पर इसमें देखिए एस्पेक्ट रेशियो बिगड़ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, हमें इस फाइल को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देख लीजिए, इसको सिलेक्ट तो कर लिया हमने, ये एस्पेक्ट रेशियो के साथ 355 कर देता हूँ। तो देखिए ऐसे इसका हाइट अपने आप एस्पेक्ट रेशियो के साथ मैच हो गया। अभी क्या करना है, इसका जो हाइट है इसको लॉक करके 1930 अभी कर दिया। पहले अरेंज अनग्रुप ऑल करके खाली ये वाला हाइट को 1930 बस। तो हमें क्या करना है, इसको रिपीट में डालेंगे ताकि ये अच्छा दिखे। तो अभी इसको एरे में जाके हम कॉम्बाइन तो करके रखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करके ऐसे रखेंगे, फिर सी ई कर देंगे, पूरा मिडिल में है। अभी इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। फिर कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक, तो हम उल्टा कर देंगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा ऐसा, ठीक है। इसमें गैप भी बराबर डिस्टेंस में रह जाएगा, तो अभी ये दोनों को सिलेक्ट करके हम कॉम्बाइन कर रहे हैं, फिर ये सिलेक्ट करके सी ई, ठीक है। हाइट अगर थोड़ा सा बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बस ये हो गया। अभी इसको पूरा पूरा ऐसे सिलेक्ट करके हम कॉम्बाइन कर दिए और इधर कलर दे दिया। अभी देख लीजिए ये प्लाज्मा कटिंग के लिए ये डिजाइन हमारा रेडी हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।